छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची को तीन लोगों द्वारा बहला फुसलाकर किन्नरों के यहां बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल ईशानगर में रहने वाले एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को गांव के ही रमेश बैकवार और रामपुर गांव के धनीराम कुशवाहा बहला फुसलाकर पहले छतरपुर ले गए। उसके बाद उसे रमेश बैकवार ने अपने लड़के मगन बैकवार को साथ लेकर हरपालपुर लाली किन्नर के यहाँ छोड़कर आ गए। करीब 20 दिन से लापता नाबालिग की खोजबीन परिजन अपने स्तर से कर रहे थे और इसी बीच नाबालिग ने खुद परिजनों को फोन लगाकर हरपालपुर होने की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने जाकर नाबालिग को किन्नरों के कब्जे से मुक्त कराया। वहीं इस मामले के बाद पीड़ित के पिता ने थाने पहुंचकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी। ईशानगर की एक घटना है जिसमें 17 वर्षीय लड़के की घटना सामने आई है और उसको प्रथम दृष्टया जांच में लेते हुए दो लोगों पर जो कि दलाल थे और हरपालपुर क्षेत्र में उसको लेकर के गए थे उन पर 363 का मामला कायम कर लिया गया है और उसकी जांच अग्रिम की जा रही है। उसमें अन्य भी जो लोग शामिल होंगे दवाइयों के सेवन के संबंध में या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियों में तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी कुछ अलग अलग प्रकार का पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं तो एक बार कंफर्मेशन होने के बाद ही आगे कुछ बताना संभव होगा।